बिहार में इन दिनों जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नेताओं के खींचतान के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि जदयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव इसे पति पत्नी जैसी लड़ाई बताते नजर आते हैं कि दोनों गठबंधन में हैं तो शादी हुई है और एक दूसरे की गुलामी नहीं करते, इस वजह से एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहते हैं। लेकिन यह मामला अब गर्माता जा रहा है। एनडीए के दो घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच रार अब खुलकर सामने आने लगा है। दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। तनातनी के बीच अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच सोशल मीडिया पर वार देखने को मिल रहा है। संजय जायसवाल फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए हमलावर हैं। उन्होंने इशारों में कुशवाहा पर हमला बोला, जिसके बाद जदयू के सीनियर लीडर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ट्रेनिंग लेने की सलाह तक दे डाली है। आपको बताते हैं कि सबसे पहले संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इशारों में उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के अलग अलग जिलों में केंद्रीय विद्यालय को जमीन मिल सके इसके लिए नेताजी ने आंदोलन किया था, शिक्षा में सुधार हो इसको लेकर अपने लोगों से हर जिले में धरना एवं प्रदर्शन कराया और अंततः नेताजी खुद सफल हो गए। इसके बाद प्रतिक्रिया देने की बारी उपेंद्र कुशवाहा की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा कि मेरे आंदोलन में आपको क्या गलत दिखा भाई जी, जहां तक मेरी भूमिका का सवाल है, सत्ताधारी दल के सदस्य की मर्यादा और विपक्ष के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का क्या दायित्व होता है उसका ज्ञान तो संभवतः आपको होगा ही, अगर नहीं है तो आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। रही बात मेरे सफल होने की, तो आपकी तरह मुझे भी राजनीति में अनुकंपा में कुछ भी तो मिला नहीं है। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे राजनीतिक सफर के पन्नों को ही पलट कर दिखवा लीजिए। मेरी जिस सफलता की बात आप कर रहे हैं ना, उससे बड़ी बड़ी कुर्सियों को त्याग कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले भी संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तीखी बयानबाजी होती रही है। आपको बता दें कि कल ही संजय जायसवाल ने यह कहा था कि मुझे जनता दल यूनाइटेड पर हंसी आती है कि वह अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, उनके यहाँ ग्रेजुएशन तो समय पर पूरा होता भी नहीं है, तो अपने सरकार से अपने यह तो कम से कम करवा लें कि चीज़ें समय पर पूरी हों। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कम से कम यह पता होना चाहिए कि यह मामला जो होता है वह गवर्नर का होता है, कुलाधिपति इसको देखते हैं, इनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोनों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार से काफ़ी अलग थे, उन पर हमलावर हुआ करते थे, कभी कभी यह भी कहते नजर आए थे कि नीतीश कुमार उन्हें जान से मरवाना चाहते हैं, लेकिन बाद में सियासत है, चीज़ें बदलती हैं, उपेंद्र कुशवाहा वापस हो गए, नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए और एक बार फिर से अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार ने खूब सम्मान किया और पार्टी में अच्छी भूमिका दिलाई।